तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप हैप्पी हो, बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में अपने गुरु को किस तरह माना जाता है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गुरु का हम सबके जीवन में बहुत महत्व है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसका सबसे पहला गुरु उसकी माँ होती है, उसके पश्चात उसका गुरु उसका पिता होता है। इसके अलावा हम जीवन में किसी भी कुछ सीखते हैं वह एक तरह से हमारा गुरु होता है। हमारे शास्त्रों में गुरु का स्थान तो ब्रह्मा विष्णु महेश के समान माना गया है। गुरु के संपर्क में आने से व्यक्ति संस्कारवन, विनयी और विनम्र हो जाता है। गुरु उसे संस्कारी कर्मों को करते हुए ईश्वर की भक्ति कैसे कर सकते हैं ये सिखाते हैं। गुरु के प्रवचनों को सुनकर हमें हमारे बहुत से सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इस आर्टिकल में पढ़े गुरु के संबंधित संस्कृत श्लोक, हिंदी अर्थ सहित अर्थ। जहां गुरु की निंदा होती है वहां उसका विरोध करना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो कान बंद करके बैठना चाहिए, और यदि यह भी संभव न हो तो वहां से उठकर दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए।